हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ रावत गेमिंग एंड आज की वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं WCC 23 एंड ड्रीम क्रिकेट 24 के बीच में। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, हम लोग अपना फर्स्ट पॉइंट करते हैं मेन्यू पे। सो जो ड्रीम क्रिकेट का मेन्यू है वो बहुत ही छोटा है एंड अभी जैसे अपडेट नहीं आया उसका। सो हो सकता है अपडेट आने के बाद उसमें अच्छा देखने को मिल जाए। एंड करेंटली वैसे WCC 3 का जो मेन्यू है वो ज़्यादा अच्छा है 24 के कंपैरिजन से। सो ये पहला पॉइंट जो है जाता है WCC 23 को। अब बात कर लेते हैं हम लोग ग्राफिक्स की, तो ये तो ऑब्वियस है कि जो ड्रीम क्रिकेट 24 है वो एक लाइसेंस गेम है। सो इसके ग्राफिक्स जो है बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाते हैं। एंड जो WCC 23 है उसके ग्राफिक्स उतने खास नहीं है। सो ऑब्वियसली ये पॉइंट जाता है ड्रीम क्रिकेट 24 को। अब हम लोग बात करते हैं इसके बैटिंग शॉट की। सो जो ड्रीम क्रिकेट 24 जो है उसमें अभी बैटिंग शॉट जो है लिमिटेड है। सो हो सकता है कि अपडेट होने के बाद उससे ज़्यादा आ जाएं, बट फिलहाल अभी WCC 23 के जो बैटिंग शॉट्स है वो काफ़ी सारे हैं तो उसके बेटर हैं। तो दिस पॉइंट गोज टू WCC 23। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्टेडियम्स की। तो जो WCC 23 है उसके स्टेडियम जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। वो काफ़ी रियलिस्टिक एंड डिटेल्ड है एज़ कम्पेयर टू DC 24। DC 24 के जो स्टेडियम है वो उतना ख़ास देखने को वैसे नहीं मिलता। सो ये पॉइंट जाता है WCC 23 को। हाँ, एक और पॉइंट वो है कि WCC 23 में जो है 41 स्टेडियम देखने को वो मिल जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जर्सीज़ की। तो जो ड्रीम क्रिकेट 24 है उसके जर्सीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक देखने को मिल जाती है। एंड उसके एज यू नो उसके जो जर्सीज़ है वो लाइसेंस है, तो यह बेटर जो है DC 24 के हैं। एंड जो WCC 23 की जर्सीज़ हैं जो रियलिस्टिक देख वाली होती हैं वो पेड होती हैं। सो ये पॉइंट जाता है DC 24 को। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।